यस, सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स आपके लिए आ गया है वाओ बुक। दिस इज बेसिकली समरी नोट्स फॉर सीएमए फाइनल एससीएम स्टूडेंट्स। एग्जेम्पशन इज गारंटीड इफ यू हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग दैट इज नोटेड इन दिस बुक्स। तो इसके बुक में क्या है, मैं दिखाता हूँ कि आपको इस बुक में मिलेगा बेसिकली हर एक चैप्टर का ऐसा जबरदस्त क्रिएट किया हुआ समरी नोट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल थ्योरी, क्यूटी, कॉस्ट का जो भी है, जितना भी छोटा छोटा यूनिट्स है, जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं या हमें पढ़ना चाहिए उस तरह से ही नोट्स बनाया हुआ है। बहुत सारे जगह पॉइंट्स में अंडरलाइन, बोल्ड, ये सब भी किया हुआ है, और कई जगह मेरा हैंड नोट्स भी आपको मिलेगा, जस्ट टू गिव यू द फ्लेवर कि सर का भी हैंड नोट्स बीच बीच में आता है। बहुत जगह चार्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं इस तरह से थ्योरी का, है ना, कुछ हैंड नोट्स भी है, कुछ प्रैक्टिकल का भी, जो भी स्टेप्स है, प्रोसीजर है, वो सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बेसिकली मेरे क्लास का नोट्स ही आप समझ लो मैंने आपको इस बुक के बहाने कंपाइल करके दे दिया है। अब आप पेजेस मत गिनना, क्योंकि डिज़ाइन करते समय तो थोड़ा आर्टिस्टिक होना पड़ता है ना, तो वो पढ़ने का बस जज्बा आपको रखना है। अगर आप इसको 2 बार 3 बार घुमा लेते हो ना एग्ज़ाम के पहले, तो ये इंश्योर हो जाएगा कि सारे की कंसेप्ट्स आपके दिमाग में हैं, और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो जस्ट मैं आपको झलक दिखाते चला रात जा रहा हूँ, जिससे कि आपके नज़र में एक बार बैठ जाए, और फिर आपको बताऊंगा कि बुक आपको मिलेगा कैसे और इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो यूटिलाइज करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़े होंगे तभी आपको सारा फ़ायदा होने वाला है, बस कहीं से भी पढ़े होंगे तो भी आपको ये बुक से फ़ायदा होने वाला है। आप इसको अगर प्रॉपरली रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यस, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें आप अपना मार्किंग वगैरह भी आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, है ना। इसमें आप लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है जो आपको याद रखना है। जैसे मैं कोशिश किया हूँ हर जगह ऐसे चैप्टर के अंदर भी एक नंबरिंग देने का, 1 2 3, जिससे कि आप, है ना, उस पॉइंटर्स का भी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया ऐसा है पेज नंबर के हिसाब से जो आपको दोबारा देखने का ज़रूरत है, कुछ कुछ ऐसा है जो दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा पॉइंट नंबर बना देने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसका भी लिस्ट बना सकते हो। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सम्स वगैरह प्रैक्टिस की हुई है या टेस्ट वगैरह दिया, मॉक टेस्ट वगैरह, तो आप उसमें जहाँ पे भी कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड सम था जिसमें आपको लग रहा है कि आप फंस गए थे, तो उस सम का नंबर भी आप यहाँ पे ही कंसेप्ट के आसपास लिख सकते हो, जिससे कि आपका एक वन पर्टिकुलर हैंड नोट्स ऐसा बन गया जो कि आप डे बिफोर एग्जाम बस उतना ही करोगे, खत्म, बाकी सबको सेट असाइड कर दोगे। तो जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन में आप फंसे हैं, अगर आप उसी जगह पर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ये प्रॉफिट स्टेटमेंट में ऐसा कहीं एक जगह फंस गए थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर अगर यहीं पे लिख दिया, पेज नंबर लिख दिया, तो आपको पता रहा कि इसके बाद ये रिविजन करने के बाद मेरे को वो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर किस पर्टिकुलर जगह से देखना है, वो आपको पता चल जाएगा। तो डे बिफोर एग्जाम जो इतना कम समय आपके पास होता है उसको यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है कि आपके पास पहले एक रेडीमेड एक छोटा सा नोट्स होना चाहिए जिसको आप फॉलो करोगे, जो आपका गाइड बन के आगे बढ़ेगा कि उसका कंसेप्ट पढ़ा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर लिखा है वो क्वेश्चन नंबर को देखा, फिर वापस आया, फिर कंसेप्ट पढ़ा, फिर क्वेश्चन नंबर देखा, फिर वापस आया, फिर क्वेश्चन देखा, कंसेप्ट पढ़ा, एंड सो ऑन। और फिर इसी तरह से 2 बार 3 बार कर लिया, आपका काम हो गया। तो ये डे बिफोर एग्ज़ाम के हिसाब से फोकस करके बनाया हुआ है, बट ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ डे बिफोर ही आप ओपन करेंगे, इसको एग्ज़ाम के दो डे बिफोर आपको 2 बार और घुमा लेना है, आपका 80-90% पढ़ा हुआ ही होगा, है ना। ऐसा नहीं घबराना है कि मेरे को कुछ नहीं आता होगा अभी मैं घबरा जाऊँगा इसको देख के, ऐसा नहीं, आपका यही सब पढ़ा हुआ है, तो इंस्टीट्यूट मैथ्स ही इंस्पायर होके बनाया हुआ है, उसमें मेरा तड़का छोंक मारा हुआ है, ठीक है, और मेरा हैंड रिटन आपको इम्पैक्ट भी आपको मिलेगा, है ना, इसका अलग आशीर्वाद मिलता हैंड रिटन का। तो देखिए सब कुछ कुछ जगह डायग्राम बनाकर, फ्लो बनाकर आपको सब समझाया हुआ है, मतलब आप सोच लीजिए मेरे पूरे कोर्स का जो मैं पढ़ाता हूँ उसका क्रक्स इस किताब में है।
बच्चों से एक्सपेक्टेड रहता है कि आप ये बुक बनाओ खुद से, ऐसा समरी नोट्स बनाओ, बट सबके पास समय उतना होता ही नहीं है, तो इसलिए वो बनता नहीं अल्टीमेटली। इसलिए ये लास्ट में आप लोगों के सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने ही बनवा लिया। काफ़ी समय लगा हम लोग को भी बनाने में, थैंक्स टू आवर डिज़ाइनर हु वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर क्रिएटिंग दिस ब्लेंड ऑफ माई हैंड राइटिंग एंड द नोट्स एंड यू नो सी मैक्सिमा मिनिमा सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ इसमें डाला है। बहुत मेहनत लगता है सब टाइप करने में, इतना सुंदर फॉन्ट बना के टाइप करना मजाक का काम नहीं। तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम बट आई थिंक इट इज़ रियली वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो आपको ये लेना है और 3 बार इसको घसीटना है एंड आई एम वेरी श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। और इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने बोला जाएगा, आप अपना रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ड्राइव का, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो टू गो अ लिटिल लॉन्ग रूट बट दैट इज़ द ओनली बेस्ट रूट विच वी कैन गिव यू, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले आप मिलाओगे तो स्पेलिंग एरर ऐसा आ सकता है, ऑल दो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट टू मिनिमम। अब क्या है ना, जितना बेस्ट करते जाओ तो डिलेड हो रहा था बहुत, तो फिर अल्टीमेटली निकाल दिया गया। तो अगर कुछ भी निकले तो आप SGC को मेल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मेरे नोटिस में ला सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वर्जन में बुक आए तो अपडेटेड हो, पूरा पढ़ ले, उसके बाद आप पूरा मार्किंग करके एक साथ ही भेज दीजिएगा अगर आपको गलतियाँ मिली तो, ठीक है, कि नेक्स्ट वर्जन और बेटर कर पाए। तो फिलहाल यही आपके लिए वाव बुक था, है ना। अभी वाव नाम कहाँ से आया, अभी एक मस्त रील चला हुआ था ना ट्रेंड में, ब्लू कलर वाव, पर्पल कलर वाव, मैजेंटा वाव वाव वाव, तो वहीं से वाव क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इट्स नथिंग लाइक माई क्रिएशन, इट्स जस्ट कॉपीड वाव। एंड पहले हम लोग इस बुक को सेवियर बुक बुलाते थे, उसको बहुत चेंज किया गया है एज पर एग्जैक्टली योर सिलेबस, इसको अभी बना दिया गया है, तो इसलिए सेवियर का ढाल और तलवार आपको दिख रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना है तो हमारा एक अलग से दिव्य जड़ी बूटी बुक भी है, जिसको अगर आप अभी तक नहीं अवेल किया तो वही ड्राइव में मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी स्कैन करके वही फॉर्म खुलेगा, वहीं से जा सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सीरीज़ के बारे में मत भूलिएगा, इट इज़ मॉक टेस्ट संग्राम सीरीज़। ये गेम चेंजर होता है हमारे स्टूडेंट्स लोग के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ अटेम्प्ट दे दे के सीखते हैं और फिर बाद में जॉब में चांस नहीं मिलता, ज़्यादा अटेम्प्ट वालों को चांस कम मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर अपना वैल्यू क्रेडिबिलिटी कम करते हैं। उससे अच्छा यहाँ पे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट दे देकर अपने लर्निंग्स को बेटर कर लें, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम एक बार में पास कर पाएँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमें क्लासेस के लिए रेकमेंड भी करें, जो भी आपके फ्यूचर में आपसे पूछे, ठीक है। अभी मैं SPMBB भी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो उसकी भी क्लासेस अवेलेबल होने वाली है बहुत जल्द स्टूडेंट्स को। दैट्स इट इन दिस छोटा सा वीडियो, आप प्लीज़ ये नोट्स का पूरा फ़ायदा उठाएं और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।